अस्सलाम वालेकुम, सफी न्यूज में खुश आमदेद। नाजरीन, जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है इसमें अभी आप देखेंगे कि सामने से एक ट्रक आएगा जो एक तो वन वे पे आ रहा है और दूसरा इशारे को भी थोड़ देते हैं। नाजरीन, इस वीडियो जो वीडियो आप स्क्रीन पर चल रहे हैं ये वीडियो ट्विटर पर किसी ने डाली थी और इसी वीडियो के ऊपर जो है ना ट्रैफिक मरूर ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक्शन लेते हुए इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। नाजरीन, आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि अगर आप सऊदी अरबिया में वन वे पे गाड़ी चलाते हैं तो आपको कितना मुखालिफा आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात, आप इशारे का तो हर कोई जानते हैं कि इशारे के ऊपर 3000 रियाल मुखालिफा है, लेकिन वन वे पे काफ़ी लोगों को पता नहीं है तो वो बता देता हो। और इस ड्राइवर को तो मरूर ने गिरफ्तार कर ही लिया है, इसको काफ़ी बड़ा मुखालिफा पड़ ही गया होगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि आप जहां पर भी सऊदी अरबिया में गाड़ी चलाते हैं सही से चलाइए, क्योंकि पीछे जो गाड़ियाँ होती है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर वीडियो देख पा रहे हैं, काफ़ी लोगों ने सिक्योरिटी के तौर पर ये कैमरे लगाए होते हैं और जब इसमें कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड हो जाती है तो बाद में वो लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं। और सऊदी अरबिया की हुकूमत बहुत ही छोटे से छोटी चीज के ऊपर अगर सोशल मीडिया पर वीडियो आ जाए तो वो लोग बहुत ही जल्द एक्शन लेते हैं। तो आप लोग जो है रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है कि आप अपना गाड़ी जो है ना सही से चलाइए, कोई ऐसी ड्रामाबाजी रास्ते में ना कीजिए, नहीं तो आपको महंगा पड़ सकता है। और आप डायरेक्ट ही डायरेक्ट आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सऊदी अरबिया में वन वे पे गाड़ी चलाते हैं तो उसके ऊपर 6000 रियाल मुखालिफा है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इशारा अगर आप तोड़ते हैं तो उसके ऊपर भी 3000 से लेके 6000 रियाल तक मुखालिफा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को 3000 ही रियाल मुखालिफा आता है, वो इसीलिए कि वो नॉर्मल गलती की वजह से आती है। और ऐसे हरकत करके अगर आप इशारा तोड़ते हैं तो उसके ऊपर भी 6000 रियाल मुखालिफा है, तो 6 और 6 12000 रियाल हुआ, 12000 रियाल मुखालिफा इस बंदे को ज़रूर पड़ा होगा। इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ न कुछ समझ गए होंगे और हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर ताकि और भी आदमी लोग आगा रहे और वो लोग ऐसी गलती कभी भी नहीं करे। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कीमती वक्त की राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अल्लाह हाफिज।